लोग अभी देखिए दो दिन से तीन दिन से सभी चारों दिशाओं में नेगी गेस्ट हाउस पहुँचते हैं और निकलते तो सफ़ेद ड्रेस में एकदम हंस बन करके आते भी हैं हंस बन के और सभी को ऊर्जा मिलती है आप लोगों को सब देख करके अरे ये तो कहीं सत्संग में जा रहे हैं तपस्या करने जा रहे हैं और उनमें भी वो श्रेष्ठ संकल्प उनकी मन में आपका वेशभूषा आपकी वाइब्रेशन देख कर एक ऊर्जा मिलता है तो उसका सारा पुण्य किसको जाएगा किसको जाएगा। आप सिर्फ सफेद ड्रेस पहनते हैं सिर्फ तपस्या नहीं कर रहे हैं चलन से वलन से व्यवहार से बातों से संकल्प से सबकी सेवाएं कर रहे हैं। सभी आपको देख के उनको भी लगता है जब वो दुखी होते हैं ना आपको याद करेंगे देखो हमें भी सत्संग में जाना चाहिए क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव को ऊर्जा को उठाता है और नेगेटिव क्या होता है वो नेगेटिव को जैसे मान लीजिए उदाहरण पे किसी पे बहुत अहंकार है अब आप उससे काम लेना है क्या तरीका ढूंढेंगे अहंकार व्यक्ति से काम कैसे लेंगे कौन बताएंगे बताएं नहीं लेंगे काम हाँ जी किसी के बहुत अभिमान है अहंकार है उससे आपको काम लेना है अच्छा उसका तारीफ करेंगे वाह ताली बजाए बहुत अच्छी बात तो अहंकार वाला व्यक्ति आपका काम कर देगा। दूसरा और कौन बताएंगे आजकल लोग तारीफ जल्दी नहीं सुनते नहीं तो रोज हम लोग पूजा करें हाँ जी और बताइए क्योंकि रोज ही हम लोगों को सेवा लेना पड़ता है ना आपको भी सेवा सभी सहयोग नहीं कर पाते किसी का अभिमान है घमंड है अहंकार है अपना बुद्धि का नशा है वो आपको सहयोग नहीं करेंगे लेकिन लेना जरूरी है। कोई ऐसा तरीका है कह रहे तारीफ की बहुत अच्छी बात है एक रामायण में एक प्रसंग आया मैं वो कहना चाहूँगा। एक बार श्री राम को रामेश्वर में यज्ञ करना होता है तब उनको एक विद्वान का एक पंडित का जरूरत पड़ती है वहाँ कोई विद्वान पंडित मिलते नहीं है वहीं पास में लंका होता है तो वहाँ पर सबसे बड़े विद्वान कौन है रावण है तो राम ने सोचा उन्हीं को बुला लिया जाए तो ताकि उनके यज्ञ को पूरा करा दे तो रावण कैसे आएगा कह रहे उन्होंने हनुमान जी को भेजता है जाओ हनुमान तुम रावण को बुला के आओ। हनुमान जाता है सीधा सीधा रावण के सामने पहुंचता है अपनी बात अपना मैसेज भगवान का रखता है राम का क्या कहता है वो हे रावण तुमको प्रभु श्री राम ने यज्ञ करने के लिए बुलाया है। इसको पहला रावण बोले तो बड़ा बुरा लगे और प्रभु श्री राम अयोध्यावासी प्रभु उसको ऊंचाई क्योंकि उसकी भावना है ना हनुमान जी का तो राम को ऊंचाई को उठा दिया तो इसको बड़ा खराब लगा वो कहता मैं नहीं आऊंगे जाऊं के हनुमान जी आके राम को ये संदेश दिया तो राम जी ने पूछा तुम क्या कह के बोला था उनको बोला प्रभु जैसे आपने बोला था ये रावण प्रभु श्री राम अयोध्या के महाराजा बुला रहे हैं तो राम ने समझ ले इसका और उनको अहंकार को ठेस पहुंचा दिया। फिर वो लक्ष्मण को भेजता है लक्ष्मण को ऊपर उनका भरोसा ये काम करा देगा क्या लक्ष्मण जाता है वो कहता है हे सोने की दुनिया के लंकाधीश्वर लंका का ईश्वर तुम्हें वनवासी राम यज्ञ करने के लिए बुला है ताली तो बजाओ। और रावण इतना जबरदस्त अहंकार सीधा उनका अहंकार नीचे हो गया वो चल पर कितनी सुंदर प्रेरणाएं मिलती है इससे। तो किसी भी व्यक्ति दुनिया में ऐसा नहीं है जो हम लोग सेवा नहीं ले सकते अपने शब्दों से अपने व्यवहार से अपनी मुस्कुराहट की चेहरा से। देखिए चेहरा भी मुस्कुराना बहुत जरूरी है क्या आप चेहरा बिगाड़ के खुद का चेहरे को खराब करके किसी से काम लेंगे कोई क्या कुछ छोटे करेगा हाँ तो राम दिखा के काम लो क्या होगा प्रैक्टिकल व्यवहारिक रूप से